हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है, ये आपकी मैथन क्लास होने वाली है फर्स्ट, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास मैथ की 4 बुक्स हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 2 बुक्स हैं आपकी, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ये सभी के लिए सिमिलर है, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की सेम ही है। लेकिन सेकेंड पेपर में आपके पास में 3 चॉइसेस हैं, कौन कौन से। फर्स्ट नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, सेकेंड है ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एंड थर्ड है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। आप इन तीनों में से, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में नंबर एंड गेम थ्योरी होगी, कुछ के पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस है, एंड किसी के पास में ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास होगी, इसमें जो हमारा नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी में से जो गेम थ्योरी वाला पार्ट है, उसको आज कवर करेंगे। एटलीस्ट 2 चैप्टर्स उसके कवर हो जाएं, क्योंकि उसमें 4 चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो 4th चैप्टर है, उससे क्वेश्चंस आपके इतने एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। मैथन क्लास का एक मतलब होता है कि आपको शॉर्ट में बहुत सारी चीजें करा दी जाएं एक ही क्लास के अंदर, ताकि आप कम टाइम में भी अगर एटलीस्ट उन चीजों को कवर कर लेती हो, तो आपको एग्जाम टाइम पे रिविजन के साथ साथ, मतलब अगर आपकी पढ़ाई भी नहीं, तो पढ़ाई के साथ साथ आप रिविजन भी बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत टाइम पहले क्लासेस आपके लिए स्टार्ट की है ये, क्योंकि सैटरडे और संडे ओनली 2 ही डेज चला करेंगी ये 4 PM पे आपकी क्लासेस, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं गेम थ्योरी की। तो गेम थ्योरी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका नैश इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आपको जो पढ़ना होगा, गेम थ्योरी का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, गेम वर्ड आ रहा होगा। दैट मीन्स जो आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे वो सभी किससे रिलेटेड है, एक तरीके से गेम से रिलेटेड है। तो गेम जब भी हम खेलते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होती है, कुछ कल्पनाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है, कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी चलती है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, गेम को जीतने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं अगर हमने ये चाल ऐसे चली ना तो हम हार जाएंगे, अगर इसको ऐसे मारा तो हम जीत जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो होती है हमारे माइंड में चलती रहती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी गेम को जीतने की कोशिश करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर ये है, इसके अंदर आपको गेम्स रिलेटेड स्ट्रेटजीज वगैरह ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जिनमें से कुछ टॉपिक्स आपके सामने हैं। पहले इनको समझेंगे, क्योंकि मैथ से रटने वाली चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चंस आप फॉर्मूले के बेस पे कर सकते हो, लेकिन जो थ्योरी है वो जब तक आपको क्लियर नहीं होगी लिखाने का फायदा नहीं। इसलिए पहले समझेंगे, देन लिखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करना, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब भी हम कोई भी गेम खेलते हैं, तो उस गेम को खेलते टाइम हमारे माइंड में क्या होती है, कुछ स्ट्रेटेजी चलती है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, गेम को जीतने की कोशिश करते हैं। तो वो ही हमारी क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। ये 2 टाइप की होती है, एक तो प्योर स्ट्रेटेजी होती है और एक मिक्स स्ट्रेटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या कहा कि आपके पास में, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आपने अपने माइंड में सोचा कि अगर हम इस तरीके से अपनी चाल चलेंगे, इस तरीके से इस वर्क को करेंगे, तो हम डेफिनेटली 110% क्या होंगे, जीत जाएंगे। दैट मीन्स आपने सिर्फ एक बात अपने माइंड में सोची और उसके थ्रू आप अगर खेले तो आप अपने गेम को जीत गए। आप कोई और स्ट्रेटेजी ना तो प्लान कर रहे हो, ना ही आपके माइंड में है, और उस पर आप अपना आउटकम बेहतरीन लेकर के आ रहे हो। दैट मीन्स वो स्ट्रेटेजी आपकी क्या कहलाएगी, प्योर स्ट्रेटेजी कहलाएगी। नेक्स्ट आती है क्या, मिक्स्ड स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल, आप लूडो खेल रहे हो, लूडो में क्या होती है, आपकी गोटियां होती हैं, खेली होगी लूडो तो आप सभी ने। क्या करते हो कि आप अपने माइंड में रखते हो कि यार अगर हम ये वाली एक गोटी, तो क्या करेंगे, वो कहते हैं ना घर पे बिठा करके रखेंगे, ताकि क्या हो कि अगर कोई भी दूसरे इंसान की आए तो एकदम से हम उसको काट दे। एक हम कहां लेकर के आते हैं, घुमा फिरा के, कि अपने घर में बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई चलो चली जाए तो मतलब मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे हमें, उस कंडीशन में हम जीत जाएंगे ज्यादा। एक हम स्टार पे बिठा के रखते हैं कि अगर यहां से आई तो यहां से काट देंगे। तो इस तरीके से आप क्या रखते हो अपने माइंड में, एक से ज्यादा, क्योंकि ये एक गेम ऐसा है जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा ज्यादा पता है, तो इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए माइंड में कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो एक गेम खेल रहे हो, लेकिन आपके माइंड में क्या, एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी की, अगर उसने मेरी यहां से काटी तो मेरे पास एक और गोटी वहां पर रखी है, दैट मीन्स मैं उससे काट दूंगा, तो भी मेरे क्या होगा, जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर मेरे मार्क्स इतने आए तो मैं इतने नहीं, यहां से यहां पे चलूंगा। मार्क्स मतलब नंबर, वही चीज है, ठीक है, कि अगर यहां पे इतने आए तो ये वाली चलूंगा, जो कच्ची है पहले उसको चल दूंगा या चल दूंगी। इस तरीके से आपके माइंड में स्ट्रेटेजी चलती है।
है। तो जब आपके पास किसी भी गेम को खेलने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी आप प्लान कर रहे हो कि ये नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, दैट मीन्स आपने एक एक्शन के बीच में अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो देन उसके बीच में आप सेकेंड स्ट्रेटेजी का भी यूज कर रहे हो, दैट मीन्स वो स्ट्रेटेजीज आपकी क्या कहलाती है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहलाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट होती है डोमिनेंट और डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी। ये क्या होती है, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि मान लीजिए आपने सोचा था कि आप यहाँ पर आपके पास में ये सपोज दैट लूडो है, यहाँ पर आपके पास में कोई गोटी रखी हुई, आपने अपने पास से क्या सोचा कि अगर हमारे नंबर कम आए तो हम क्या करेंगे, ये वाली चलेंगे। एक आपके पास में यहाँ पे स्टार वगैरह पे कहीं पे गोटी रखी हुई है, ठीक है। तो अब आप क्या सोच रहे हो कि आपको चलनी तो ये वाली थी क्योंकि यहाँ से आपका रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन होता क्या है कि किसी दूसरे पर्सन की आ रही है वो यहाँ पे रखी हुई है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपके नंबर इतने आए कि उसकी गोटी कट रही है, देन आप क्या करोगे, ये वाली नहीं चलोगे, आप क्या करोगे यहाँ से ये वाली चलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यहाँ से चल रहे हो तो उस कंडीशन में उसकी कट जाएगी और आपके जीतने के जो चांसेस है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, इसको छोड़ करके इस स्ट्रेटेजी का यूज करो। क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर है इससे। तो जब आप किसी भी ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करते हो जो कि दूसरे वाली से ज्यादा सुपीरियर है आपके गेम जीतने के लिए, तो देन उस स्ट्रेटेजी को आप क्या बोलते हो, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी बोलते हो। क्या बोलते हो? डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। और जो आपने अपने माइंड में सोच रखी थी कि भाई हमारे पास में यहाँ से हमारा रास्ता साफ है हम तो इसे ही चलेंगे, अगर बाय चांस ये यहाँ पे दो पे रखी हुई है, ठीक है, और आपने अपने माइंड में सोचा कि आपके तीन चार पांच कुछ भी नंबर आ जाते हैं तो आप इस वाली को चलोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका रास्ता साफ है, यहाँ से आपके कोई काट नहीं सकता। तो आपने क्या किया, जब आपके दो नंबर आ गए आपने ये ना चल करके आपने ये वाली गोटी चली, क्यों? क्योंकि यहाँ से दूसरे वाले की कट गई, तो आपने इस वाली को क्या कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया। तो जब आपने किसी सुपीरियर अपनी क्या करा, स्ट्रेटेजी को फॉलो किया किसी अदर स्ट्रेटेजी को छोड़ करके, तो जो स्ट्रेटेजी छोड़ी वो क्या कहलाएगी, आपकी डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी कहलाएगी, और जिसका आपने यूज किया वो आपकी क्या कहलाएगी, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहलाएगी, ठीक है। जिसको डोमिनेंट स्ट्रेटेजी के लिए आपने छोड़ दिया वो क्या कहलाएगी, डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी। जिसको यूज किया यानी कि जो इंफीरियर है वो आपकी डोमिनेटेड होगी, जो सुपीरियर है वो आपकी डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है पे ऑफ एंड पे ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होती है कि कोई भी गेम जब आप खेलते हो, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप एक ले लीजिए, क्रिकेट का ले लीजिए, क्रिकेट देखा होगा आपने सभी ने, या फिर आप खो खो वगैरह खेलते हो उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कि मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हो आपको नंबर मिल रहे हैं किसी भी चीज के, या फिर बैडमिंटन ले लीजिए कि एक गोल हुआ दो गोल हुआ उसके इतने नंबर हो गए उसके इतने नंबर हो गए, इस तरीके से आप दे रहे हो किसी को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप ना एक इस तरीके का कुछ गेम्स में चार्ट प्रिपेयर करते हो। मान लीजिए आप दो पर्सन खेल रहे हो तो एक जगह एक का नाम दूसरी जगह इसका नाम, कि एक चांस पे इसको एक नंबर मिल गया, इसको कितना मिल गया, जीरो मिल गया, दूसरी चांस पे इसको तीन मिल गया इसको जीरो, या चौथी चांस पे इसको छह मिल गया इसको जीरो, इस तरीके से आपका चार्ट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो पे ऑफ क्या होता है, जो आपका टोटल आउटकम आता है, यानी कि एट द एंड मान लो जो इसका रिजल्ट होगा जो इसका रिजल्ट होगा, तो किसी भी गेम को खेलने के बाद में जो लास्ट आउटकम आता है वो क्या कहलाता है, आपका पे ऑफ कहलाता है। और उस पे ऑफ के लिए जो टेबल प्रिपेयर की जाती है उसको ही आप क्या बोलते हो, पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल सम गेम्स या फिर नॉन जीरो गेम्स। इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, और ये जितनी भी डेफिनेशंस बता रही हूँ ना, ये इसलिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए समझा रही हूँ डेफिनेशन से पहले, ताकि अगर एग्जाम में आ जाती है तो बच्चा छोड़ करके नहीं आनी है, आप में से किसी को भी माइंड में सोचना है कि दीदी ने कैसे कैसे क्या चीज बताई, तो उस चीज को अगर प्रॉपर डेफिनेशन भी आनी है ना एटलीस्ट बना करके लिख के आओ, बट क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आने एग्जाम में, ठीक है। तो क्या होता है वेरिएबल सम गेम की, मान लो कोई भी प्लेयर है, ठीक है, वो खेल रहा है, खेलते टाइम मान लो आप हो, आपके साथ में कोई अदर प्लेयर है, वो मतलब दो पर्सन से कोई भी खेल रहा है, ठीक है। तो यदि आपका जो आउटकम आ रहा है टोटल, या फिर आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि मान लीजिए जो आपको गेन हो रहा है और जो लॉस हो रहा है वो कुल मिलाकर के दोनों साइड से कैसा आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो आपका गेम होता है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल सम गेम्स या फिर नॉन जीरो गेम्स। दीदी ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक गेम ऐसा खेला जिसमें
इसको भी इतने ही मार्क्स मिले, इसको भी इतने ही मार्क्स मिले, यानी कि एक हार रहा है और एक जीत रहा है, यानी कि आपने जितने मार्क्स गेन किए, मान लो इसने स्टार्टिंग में 5 मार्क्स गेन किए, इसने उतने ही लॉस कर दिए, लास्ट में इसने जितने लॉस किए उसने उतने ही गेन कर लिए। तो अगर गेन और लॉस दोनों कैसे आ रहे हो, इक्वल गेन और लॉस दोनों कैसे आ रहे हो, इक्वल आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो गेम होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन जीरो गेम कहलाएगा, नॉन होगा यहाँ पे, या फिर वो आपका क्या कहलाएगा, वेरिएबल सम गेम्स कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर है, यहाँ पे नॉन जीरो सम गेम करना, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्योर स्ट्रेटेजी की अगर एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, मिक्स यानी कि यदि एक एक्शन के बीच में सेकंड स्ट्रेटेजी भी आप फॉलो कर रहे हो, देन मिक्स स्ट्रेटेजी, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, इंफीरियर और सुपीरियर का ध्यान रख के आप याद रख सकते हो, डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी क्या होती है, पे ऑफ आपको बता दिया, टोटल आउटकम जो होता है उस आउटकम को बना मतलब फाइंड करने के लिए जो आप टेबल प्रिपेयर करते हो उसको ही क्या बोलते हो, आप पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हो। अगर गेन और लॉस दोनों कैसे हो, इक्वल हो, तो देन आपका गेम क्या कहलाता है, नॉन जीरो सम गेम या फिर वेरिएबल सम गेम्स कहलाता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इनकी डेफिनेशन लिखा करके फिर एक मेथड है एंड देन आपके क्वेश्चन है, फिर आपका चैप्टर खत्म, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, क्या होती है स्ट्रेटेजी, अ प्लेयर्स स्ट्रेटेजी इज एनी ऑफ द ऑप्शंस विच ही कैन चूज इन अ गेम, यानी कि जो किसी भी प्लेयर की जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होता है, कोई भी एक ऑप्शन होता है जिसे वो किसी भी गेम में चूज करता है, वेयर जहां पर द आउटकम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन हिज एक्टिविटीज बट ऑन दी एक्शन ऑफ अदर्स, जहां पर उसका जो आउटकम है यानी कि जो रिजल्ट जो भी उसको मिलने वाला है वो ना केवल उसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है बल्कि किसी दूसरे के एक्शन पर भी डिपेंड करता है, जो कि मैंने जैसे आपका लूडो का बताया था, सेम इसी तरीके से चेस वगैरह होते हैं, तो ये सब गेम होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि आपका जीतना या हारना केवल और केवल आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करा कि आपने ऐसा चला तो आप जीत गए, नहीं, दूसरे की एक्टिविटी पे भी डिपेंड करा कि दूसरा किस माइंड सेट के साथ में खेल रहा है आपके साथ में। सो देन आप क्या करते हो, वहां पे स्ट्रेटेजी का यूज करते हो। तो क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन बन रही हो कि जहां पर आपका जो आउटकम है वो ना केवल आपकी एक्टिविटी पे बल्कि किसी अदर पर्सन की एक्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा हो, सो देन जिस ऑप्शन को आप चूज करते हो जीतने के लिए वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटेजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्योर स्ट्रेटेजी कि इट इज अ डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेयर्स ऑलवेज टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि ये क्या होता है, वो डिसीजन होता है किसी भी गेम को खेलते टाइम हमेशा, जिसको आप क्या करते हैं पर्टिकुलर वे में सिक्योर करके रखते हो अपने माइंड में कि हाँ इसको हम इस तरीके से खेलेंगे गेम को एंड देन फाइनली हम अच्छा आउटकम गेन कर लेंगे। तो उस कंडीशन में आपके पास में क्या है, केवल और केवल एक स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, दैट मीन्स उसको आप क्या बोलोगे, प्योर स्ट्रेटेजी बोलोगे। फिर नेक्स्ट आता है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कि इट इज अ डिसीजन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेयर्स टू चूज अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ईच प्लेयर इन अकॉर्डेंस विद सम पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किस चीज को नोट कर रहा है कि आप जब भी कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे देन आपके कुछ एक्शंस आप लोगे बीच बीच में, तो उनके बीच में जब आप कोई अनदर एक्शन लोगे यानी कि एक के बीच में कोई अनदर, मान लीजिए आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी से खेल रहे हो देन आपके पास में क्या गई, आपने देखा कि आपको आपने एक गोटी चलाई कि आपको ये चला चला करके अपने घर में लेकर के, यानी आपकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई ये। सेकेंड इज दैट कि आपके पास में आपके सामने कहीं अनदर प्लेस पे एक गोटी ऐसी आ गई दूसरे पर्सन की कि जितने उसके नंबर पे वो रखी हुई है उतने आपके नंबर आ गए, दैट मीन्स आप क्या करोगे वहां पे, पहले आपका माइंड सेट क्या था कि आप अपनी वाली को लेकर के आओगे, लेकिन आपके नंबर इतने आए कि दूसरे की कट रही है तो आप क्या कर रहे हो वहां पे, गोटी काट रहे हो, ठीक है, पागल नहीं बनाना किसी का, तो वो वाली चीज आ जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका कि आप एक के साथ में दूसरी कोई भी प्रोबेबिलिटी वहां पर पे लेकर के आ रहे हो कि हाँ आपकी जो माइंडसेट है उसमें एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दैट मीन्स आप एक के साथ में किसी अनदर स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर रहे हो अपने कोर्स ऑफ एक्शन के बीच में। सो देन आप क्या कहोगे कि ये स्ट्रेटेजी कैसी है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है।
नेक्स्ट आता है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी की। इन अ गेम अ प्लेयर्स स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। किसी भी गेम में किसी भी प्लेयर की जो स्ट्रेटेजी होगी वो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी कहलाएगी यदि दिस स्ट्रेटेजी सुपीरियर टू अदर स्ट्रेटेजी। यदि वो स्ट्रेटेजी कैसी हो, सुपीरियर हो किसी अदर स्ट्रेटेजी से, नो मैटर व्हाट द अदर प्लेयर डू। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि दूसरा प्लेयर जो होगा उसके बाद में उसकी एक्टिविटी क्या होगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां से उसने अपनी एक गोटी चली आपने काट दी, वहीं पे उसकी दूसरी भी रखी हो, तो हो सकता है कि उसके बाद में उसके इतने नंबर आ जाए कि आपकी कट जाए। गोटी की बात हो रही है, ठीक है। चलो तो इतना सीरियस होके मत पढ़ो, इंजॉय लेते लेते करो, पढ़ो वरना फिर माइंड में ना ये हो जाएगा हाय इतनी लंबी क्लास हो गई कैसे कैसे पढ़े। ऐसा माइंड सेट नहीं बनाना कि मैथ को लेकर के आप वैसे परेशान रहते हो, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है और थोड़े से परेशान हो गए, हो गया काम। तो क्या बताया अभी आपको डोमिनेंट स्ट्रेटेजी में कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे का जो एक्शन होगा वो क्या होगा, बल्कि आप क्या कर रहे हो, अपनी जो भी आपकी सुपीरियर स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर रहे हो इन कंपैरिजन ऑफ इंफीरियर स्ट्रेटेजी। तो उस कंडीशन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या कहलाएगी, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। और जिसको आप छोड़ दोगे कि यानी कि ये नहीं करते, तो वो वाली स्ट्रेटेजी आपकी क्या कहलाएगी जो आपने पहले सोच करके रखी थी बट नहीं की, कोई अनदर स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, तो जो छोड़ी वो स्ट्रेटेजी आपकी क्या कहलाएगी, यहाँ पे डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी कहलाएगी। आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए फिर नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा पे ऑफ। पे ऑफ क्या बताया था अभी आपको, इट इज द आउटकम ऑफ द गेम। यानी कि किसी भी गेम का जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पे ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट है पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम इज द टेबल शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर्स आफ्टर अ गेम इज प्लेड। यानी कि जब भी किसी गेम को खेला जाता है तो खेलने के बाद में उसका जो अमाउंट होता है उसको शो करने के लिए टेबल बनाई जाती है पहले से ही, तो बाद में वो ही टेबल आपकी क्या कहलाती है, पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है वेरिएबल सम गेम्स या फिर नॉन जीरो सम गेम्स। इसमें आप सभी एक चीज का ध्यान रखेंगे, अभी जो आपको बताया था कि गेन और लॉस इक्वल, वो आपके किस में होंगे, जीरो सम गेम्स में होंगे, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे देन आपको वो चीज बताऊंगी। फिलहाल नॉन जीरो सम गेम्स या फिर वेरिएबल सम गेम्स क्या होते हैं कि दीज आर द गेम्स वेयर द समेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस फॉलोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय डिफरेंट प्लेयर्स इज डिफरेंट। यानी कि जब अलग अलग प्लेयर्स के द्वारा कोई अलग अलग क्या हो रही है, स्ट्रेटेजी फॉलो करके कोई भी गेम खेला जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो उनका गेन और लॉस होगा, उनका समेशन यदि कैसा हो, डिफरेंट हो, सो देन आप क्या कहोगे कि गेम कैसा है, वेरिएबल सम गेम है या फिर नॉन जीरो सम गेम है। नेक्स्ट आता है नश इक्विलिब्रियम, जो कि आपके चैप्टर का भी नेम है। क्या होगा कि नश इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रोफाइल, यानी कि क्या करते हैं, एक्शन प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है फॉर ऑल प्लेयर्स इन अ गेम, किसी भी गेम में सभी प्लेयर्स के लिए, एंड इज यूज टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग इंटरेक्शन। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है कि जो प्लेयर्स अपना इंट्रैक्शन करते हैं, यानी कि कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसके लिए जो भी डिसीजन लेते हैं, तो वो सभी प्रिडिक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, नश इक्विलिब्रियम का यूज किया जाता है। एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका जॉन नश, तो उन्होंने क्या किया था, यूएसए के थे वे, 1928 में इसका क्या किया था, यूज किया था, एंड देन उन्होंने इस चीज को दिया था, तो उन्हीं के नेम पे इसका नाम क्या पड़ा, नश इक्विलिब्रियम। अब ये टू टाइप का होता है, एक तो प्योर स्ट्रेटेजी नश इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड होता है इसमें मिक्स्ड स्ट्रेटेजी नश इक्विलिब्रियम। प्योर स्ट्रेटेजी नश इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब भी प्लेयर्स के द्वारा क्या हो रही हो, प्योर स्ट्रेटेजी यूज हो रही हो, तो देन उनके जो भी प्रिडिक्शन की जाती है उस कंडीशन में, तो उस इक्विलिब्रियम को आप क्या कहोगे, प्योर स्ट्रेटेजी नश इक्विलिब्रियम। और यदि क्या हो रही है, प्लेयर्स के द्वारा मिक्स स्ट्रेटेजीज फॉलो हो रही है, सो देन आप क्या कहोगे उसको, मिक्स स्ट्रेटेजी नश इक्विलिब्रियम कहोगे। क्लियर है इतनी बातें, आई होप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस देखिएगा आपके सामने, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द प्योर स्ट्रेटेजी नश इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग गेम्स, क्वेश्चंस है बहुत सारे, इनके लिए आपको क्या करना है, प्योर स्ट्रेटेजी नश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। दैट मींस आपको नश इक्विलिब्रियम निकालना है कौन सा होगा, और उसके लिए जो प्योर स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए पे ऑफ क्या होगा, ये चीजें आपको देखनी है। एक सिंपल सा लॉजिक बताती हूँ और एक आपका हार्ड सा बताती हूँ, कैसे कैसे देखो। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सब्जेक्टिव पेपर होने हैं, उनको क्या करना होगा, पहले जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करोगे वो आपको लिखना होगा, उसके बाद में आप स्टेप्स फॉलो करोगे। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं, वो डायरेक्टली करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कैसे, बहुत एक सेकंड में हो जाएंगे। प्लेयर बी के लिए आपको क्या देखना है, जो रो होंगी उनमें जो सेकंड एलिमेंट होगा उनके अकॉर्डिंग आप देखोगे, जो मैक्सिमम पे ऑफ होगा उस पे सर्कल बनाओगे, और जो कॉलम्स होंगी उनमें फर्स्ट वाले में प्लेयर ए के लिए जो भी मैक्सिमम पे ऑफ होगा उसको आप
स्क्वायर के अंदर क्लोज करोगे। कैसे? प्लेयर बी आपके पास में ये रहा, जो भी आपके पास में रो है उनमें सेकंड नंबर पे दिखेगा, एक रो ये री, एक ये री, एक ये री और एक ये री, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से करके है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे जीरो है, तो मैक्सिमम कौन सा है? थ्री। तो थ्री के ऊपर आप क्या बना दोगे? सर्कल। फिर नेक्स्ट वाली रो में अगर आप देखोगे फोर है, फाइव है, तो बड़ा कौन सा है? फोर है या फाइव है? तो आप कहोगे दीदी फाइव बड़ा है, तो फाइव के ऊपर सर्कल बना लोगे। फिर नेक्स्ट किसके लिए देखना है? प्लेयर ए के लिए। आपको क्या देखना है? आप फर्स्ट कॉलम में देखोगे टू बड़ा है या वन बड़ा है, तो आप कहोगे टू बड़ा है, तो इसके ऊपर आप स्क्वायर बना दोगे। यहाँ पे फोर बड़ा है, टू बड़ा है, फोर बड़ा है, तो इसके ऊपर आप स्क्वायर बना दोगे। इतना सा काम आपको करना है। अब देख लो किस रो में आपके पास में ज्यादा से ज्यादा पे ऑफ है, तो आप कहोगे फर्स्ट वाली में, यानी कि ये आपकी फर्स्ट रो पड़ रही है और फर्स्ट ही कॉलम पड़ रही है, यानी कि वन वन में। एक तरीके से आप टॉप और लेफ्ट की बात कर सकते हो कि टॉप आपकी क्या पड़ रही है? रो पड़ रही है, और लेफ्ट आपकी कॉलम पड़ रही है। दैट मीन्स नश इक्विलिब्रियम तो क्या हो गया? टॉप लेफ्ट, और उसके अंदर पे ऑफ क्या हो गया? 2.3। यही आपका इसमें फाइनल आंसर होगा। लिखोगे कैसे कैसे कि सबसे पहले आप लिखोगे टू फाइंड दी नैश इक्विलिब्रियम, टू फाइंड दी नैश इक्विलिब्रियम ऑफ दी गिवन गेम वी सर्कलिंग दी मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर बी इन ईच रो एंड इनक्लोजिंग इन स्क्वायर द मैक्सिमम पे ऑफ ऑफ प्लेयर ए या फॉर प्लेयर ए इन ईच कॉलम। हर एक कॉलम में किसके लिए करेंगे? जो हमारा प्लेयर ए है उसके लिए जो मैक्सिमम पे ऑफ होगा उस पे आप क्या करोगे? स्क्वायर के थ्रू क्लोज कर दोगे। और जो भी आपके पास में प्लेयर बी है उसके लिए प्रत्येक रो में जो भी आपके पास मैक्सिमम पे ऑफ होगा उसको आप क्या करोगे? सर्कल बना दोगे। तो आपके पास में जो मैट्रिक्स होगी अब वो क्या बनेगी? देन वी गेट, क्या मैट्रिक्स आएगी आपके पास में निकल करके? एक क्वेश्चन में आपको पूरा लैंग्वेज के थ्रू बता रही हूँ, बाकी सारे के सारे आप क्या करोगे? अपने आप से करोगे। मैं डायरेक्टली सिर्फ आपको समझाऊंगी। ये प्लेयर ए के लिए है, प्लेयर बी के लिए है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लिखने का तरीका आपको एक क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, बाकी सभी क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखना है जिनके सब्जेक्टिव पेपर होने हैं। 2, 3, 1, 4, 4, 0, 2, 5। अभी बताया क्या करना है हमें? जो भी प्लेयर बी है उसके लिए हर एक रो में जो मैक्सिमम पे ऑफ है उस पे सर्कल बनाना है। तो 3 बड़ा है या 0? 3 बड़ा है। 4 बड़ा है या 5? 5। फिर कॉलम्स में देखोगे प्लेयर ए है तो फर्स्ट कॉलम देखनी है, ठीक है? तो 2 बड़ा है या 1? तो 2 बड़ा है। 4 बड़ा है या 2? तो 4 बड़ा है। अब ऐसी कोई रो आ रही है जिसमें एक साथ ही आपको सर्कल भी मिल रहा है और स्क्वायर भी मिल रहा है, तो कौन से वाली है? ये वाली है। तो आप क्या लिखोगे कि हैंस दी नश इक्विलिब्रियम इज, कौन सा पड़ रहा है? टॉप और लेफ्ट, टॉप कॉमा लेफ्ट, एंड पे ऑफ इज 2.3। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि सिंस इन दिस शेल, कौन सी शेल पड़ रही है? 1-1। तो आप एक लाइन लिख सकते हो इससे पहले, हैंड से पहले, कि सिंस इन दिस शेल 1-1 वी गेट द मैक्सिमम, चलो यहां पे लिखा दे रही हूं मैं इससे जस्ट पहली लाइन, सिंस इन दिस शेल 1.1 वी गेट द मैक्सिमम पे ऑफ फोर प्लेयर ए एंड बी, सो हैंस द नैश इक्विलिब्रियम इज टॉप लेफ्ट एंड पे ऑफ इज 2.3। क्लियर है?
नोट कीजिए इसको, फिर आगे के क्वेश्चन एक बार समझा दूंगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है आपके सामने, इनको एक बार करेंगे। सबसे पहले प्लेयर बी के लिए आप क्या देखोगे, रो में देखिएगा 12, 2, कौन सी है आपके पास में मैक्सिमम पे ऑफ 12, 5 और 3 में 5 है। फिर कॉलम्स में देखोगे आप तो 14 आपके पास मैक्सिमम है, -2 और 1 तो 1 आपके पास मैक्सिमम है। तो यहाँ पर जो आपको ज्यादा से ज्यादा पे ऑफ मिल रहे हैं प्लेयर ए और बी के लिए, वो किस रो में मिल रहे हैं, सेकंड वाली में, यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। दैट मींस जो यहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम है वो तो क्या बना आपके पास में, लो एंड राइट। और जो पे ऑफ है आपके पास में वो आपके पास में क्या बन गया यहाँ से, 14 और 5। दैट मीन्स ये आपका इसमें फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आपको निकालना है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रो है 2, 6, 7, तो कौन सा है मैक्सिमम, 7। 6, 7, 8 में 8, 0, 0, 4 में 4। कॉलम्स में आइए, 1, 5, 2 में 5, 0, 3, 1 में 3, 3, 4, 3 में 4। तो आपको मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, यानी कि सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका नैश इक्विलिब्रियम है वो तो क्या हो गया, सेकेंड रो कौन सी है M और थर्ड कॉलम आपके पास में कौन सी है Z। और अगर पे ऑफ की बात यहाँ पे की जाए तो वो क्या मिल रहा है आपको, 4.8। दैट मीन्स ये इसमें आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो, ठीक है जी। तो इसी के साथ में आपका जो चैप्टर 1 है नैश इक्विलिब्रियम ये कंप्लीट होता है। आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आज वैसे इरादा नहीं था, ये जितनी भी चीजें थी क्लासेस आपकी नेक्स्ट मतलब कल मंडे से स्टार्ट करने वाले थे, बट कोई नहीं, आज से शुरुआत कर दी, इसलिए आज एक ही चैप्टर कराया। बाकी नेक्स्ट जो आपकी सैटरडे में क्लास होगी उसमें आपकी गेम थ्योरी वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोज का बेनिफिट ले सके, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सके। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक बुक की, तो आप वहां से अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और फिर इन मैराथन क्लासेस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, एग्जाम के लिए कोई भी बर्डन आपको फील ना हो। तो वीडियो को पसंद आई हो अगर तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप चैनल पर नहीं हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।